तो नमस्कार मित्रों, आज हम चैलेंजेस के बारे में पता करेंगे और जानेंगे कि उनको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। मतलब सारी दिक्कतों को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हम आज की चर्चा में उनको विषय बनाएंगे और उनका क्या क्या सॉल्यूशन है उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो विषय है वो एमएसएमई कि पेमेंट रिकवरी प्रोसीजर के बारे में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज पूरे भारत में 6,500 से ज्यादा आइटम्स एमएसएमई उद्योग बना रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरे इंडिया का 45% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर्स दे रहा है। हम अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर्स प्रदान कर रहे हैं इंडिया को। इंडस्ट्रीज की बात करें तो 90% से ज्यादा इंडस्ट्रीज एमएसएमई है इंडिया में। तो इस एमएसएमई सेक्टर को ठीक से चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो पेमेंट डिले प्रोसेस होता है उससे हम कैसे निजात पाएं, कैसे पेमेंट हम जल्दी से जल्दी रिकवर करा पाएं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें ऑर्डर लेते वक्त और माल खरीदार को देते वक्त सावधानी बरतनी है, क्या क्या वो प्रोसेसेस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने हैं, हम उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में अगर कोई पेमेंट स्टक हो जाती है, डिले हो जाती है या डिफॉल्ट हो जाता है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एमएसएमई के सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को भी हम देखेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रुकी हुई पेमेंट्स, फंसी हुई पेमेंट्स रिकवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं एमएसएमई की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको लेने के लिए, और किस किस उद्योग के ऊपर एमएसएमई अप्लाई करता है। सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है उसमें मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों फॉल करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स से आशय सभी तरीके के उद्योगों से है जो किसी भी तरह की वस्तुओं को निर्मित करते हैं, जैसे साबुन बनाना, कपड़ों का व्यापार, कपड़े बनाना, जूते बनाना, खाने पीने की कोई भी चीज बनाना, ये सब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में आता है। सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं, किसी भी तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विसेज, पर्सनल हाइजीन सर्विसेज, आर्किटेक्चर सर्विसेज, जितनी भी तरह की सर्विसेज हैं वो भी इसमें फॉल होती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 2020 से पहले जितने भी ट्रेडर्स थे वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते थे। ट्रेडर्स मतलब कि रिटेलर्स और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी होते थे उन सभी को ट्रेडर्स बोला जाता था। तो इससे पहले ट्रेडर्स इसमें ऐड नहीं होते थे, जो कि अब सेकेंड अमेंडमेंट में इंक्लूड हो गए हैं। तो अब मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर्स और ट्रेडर्स भी एमएसएमई के दायरे में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और टर्नओवर के हिसाब से क्या क्या नियम है। देखिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस होने के लिए अगर आपकी इंडस्ट्री माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, ये हम बात कर रहे हैं जब आप अपनी इंडस्ट्री को एनरोल कराने जा रहे हैं एमएसएमई के साथ, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी इंडस्ट्री पहले से ही एग्जिस्टेंस में है और अब आप उसको एमएसएमई के साथ एनरोल कर रहे हैं। तो क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने इंडस्ट्री तो आज शुरू करी है, टर्नओवर के बारे में कैसे। तो ये टर्नओवर होगी आपकी पहली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर,
अगर आपने आज अपने आप को माइक्रो एंटरप्राइजेस में एनरोल किया है लेकिन आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हुई पहले साल, तो आप फॉल करेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस में। इसी तरह से अगर आपकी प्लांट और मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है या उससे कम है और आपकी टर्नओवर 50 करोड़ है या उससे कम है, तो आप स्मॉल इंडस्ट्रीज में फॉल करेंगे। अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ या उससे कम है और आपकी टोटल टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम है, तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस में फॉल करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप एक बार इस बात का विचार करें कि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम आप किस में फॉल करते हैं, वो आप एक बार ध्यान दीजिएगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और प्लांट एंड मशीनरी को ध्यान में रखते हुए। आपके क्वेश्चंस भी उसी अनुरूप आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहां पे मैं एक बात का आपको क्लैरिफाई कर सकता हूं कि मीडियम मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई एक्ट के तहत पेमेंट रिकवरी सिस्टम की सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ही एमएसएमई के माध्यम से अपनी पेमेंट्स रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो आज हमारी इस मीटिंग में है, अगर वो मीडियम एंटरप्राइजेस से है, तो उसको ये बात ध्यान देनी है कि जो भी आज हम चर्चा करेंगे वो मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ही एमएसएमई के द्वारा पेमेंट रिकवरी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज हर इंडस्ट्री में परेशानी का सबब है, वो है कि डिले पेमेंट्स क्यों हो रही हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। अब डिले पेमेंट्स क्यों हो रही हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो बहुत सारे रीजंस इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना प्रोफेशनलिज्म अभी नहीं आया है इंडिया के अंदर, जितना प्रोफेशनलिज्म आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे या अगर आप चाइना की बात करें, आप जापान की बात करें, तो वहां पर बिजनेस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होता है। इंडिया में आज भी बिजनेस जबान के ऊपर, भाईचारे के ऊपर और सोसाइटी क्या कहेगी उसके ऊपर बिजनेस चलते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज से, तो माइक्रो इंडस्ट्रीज में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जहां पे डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होता। जो सबसे बड़ा विषय है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं होती। लोग फोन पे ऑर्डर दे देते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि उनका बिल रेस करते हैं सिर्फ जीएसटी के कंप्लायंस के लिए, और उसके बाद हम गुड्स उनको पहुंचा देते हैं, ना उनसे हम किसी तरीके की रिसीविंग लेते हैं, ना बिल पे हम प्रॉपरली मेंशन करते हैं कि कितने दिनों के अंदर अगर गुड्स खराब आप तक पहुंचे तो कितने दिनों में आपको हमें बताना होगा फलानी फलानी चीजें, हम उसमें लिखते ही नहीं है। हम सिर्फ बिल को इसलिए देते हैं ताकि हम जीएसटी से बच सकें। ये एक सोच होती है जिसको हमें ठीक करना होगा। इसके अलावा कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कितने दिन का लिमिटेशन होता है पेमेंट की रिकवरी के लिए। बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा वक्त बीतने के बाद लीगल रिकोर्स को अवेल करने की कोशिश करते हैं, बट तब तक समय निकल चुका होता है कोर्ट में मुकदमा फाइल करने का। हो सकता है जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो ये बात जानते भी हों, उन्होंने कभी ऐसा देखा भी हो कि पहले तो हम भाईचारे में लोगों से बात करते हैं कि क्या पता पेमेंट्स निकल जाएं, बट तब तक देर हो चुकी होती है जब तक हम कोर्ट में जाने का मन बनाते हैं या हम एमएसएमई में भी अपना केस डालें। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कितने दिन तक वेट करना है आपकी फंसी हुई पेमेंट के लिए, कितने दिन का वेट करना है उसके लिए हम आगे आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा पेमेंट इसलिए भी फंसती है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत होता है रेलिवेंट मार्केट में, जो हमें सुनने में आता है।
और किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस भी होते हैं, रॉ मटेरियल बहुत ही कम है तो जो बेच रहा है हमें उसकी बात माननी पड़ती है, अदरवाइज वो हमको रॉ मटेरियल देगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे और बहुत ही कम मार्जिन पे, बहुत ही कम प्रॉफिट पे अपने गुड्स को बेचना चाहते हैं और सामने वाला उसको खरीदना चाहता है, तो हम दबिश में आके बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का काम उससे नहीं लेते हैं। ये भी एक वजह है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा जो नए नए बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने आज ही काम शुरू किया है, उनको काम की जरूरत ज्यादा होती है, तो वो अच्छी बार्गेनिंग करने की हैसियत में नहीं होते हैं, वो इस स्टेज पे नहीं होते हैं कि वो बार्गेन कर सकें या वो नेगोशिएट कर सकें अपनी टर्म्स के हिसाब से। उनको अपनी मार्केट बनाने के लिए जो भी खरीदार है, उनका पोटेंशियल कस्टमर है, उसके साथ उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए भी डिले पेमेंट्स एक्यूमुलेट होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा हम जो भी डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, परचेजर से जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हम उसको कहीं भी लिख के नहीं रखते। ये सबसे बड़ी परेशानी है, चाहे हम एमएसएमई की बात करें, चाहे हम कोर्ट्स की रिकवरी की बात करें। जब फाइनली हम अपना दावा कहीं भी डालेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास सबूत कितने हैं। तो सबूत होते ही नहीं है, इसीलिए हमारी पेमेंट्स रुक जाती हैं, लोग हमारी पेमेंट्स देते नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज लिखी हुई है ही नहीं। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा एक जो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल भी है, कि कई लोग क्या करते हैं, इनवॉइस रेस कर देते हैं, उसके बाद कैश पेमेंट ले लेते हैं या कैश पेमेंट दे देते हैं जिसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन हुई है तो हम उसको लीगली कहीं शो नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर आपके वेंडर ने या आपने वैसा वर्षा कैश पेमेंट किसी को दे दी और अगर आपने उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कराया, तो ऐसी बहुत बहुत संभावना है कि जब भी सामने वाला बंदा जिसको पैसे लेने हैं, तो सामने वाला आदमी के संबंध जिस भी दिन आपसे खराब होंगे, तो वो एज पर एक्चुअल आउटस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिंग इन द बुक्स वो आपसे डिमांड कर सकता है और आपको लीगली वो पैसा देना भी होगा। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शन को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम जो कि एमएसएमई में सबसे ज्यादा चलती है। अगर आप बात करेंगे मीडियम में और हैवी इंडस्ट्रीज में, तो हैवी इंडस्ट्रीज में ये प्रॉब्लम्स कहीं भी नहीं होती क्योंकि एवरीथिंग इज कंसीडर्ड बाय द वे ऑफ टेंडर्स। तो टेंडर्स में जो भी पार्टिसिपेट करता है, आपने बहुत ही कम सुना होगा, उनकी पेमेंट्स डिफॉल्ट होती हैं। वो पेमेंट डिफॉल्ट होती हैं, बट वो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस होते हैं कि आपके गुड्स सही नहीं थे या आपकी सर्विसेज सही नहीं थी, इसीलिए पेमेंट हेल्ड होती है, अदरवाइज देयर इज नो स्कोप टू होल्ड द पेमेंट ऑफ एनीबडी। अब इन सबसे समस्या क्या उत्पन्न होती है जब पेमेंट्स रुक जाती हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो एमएसएमई के मेंबर्स होते हैं वो फेस करते हैं? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं एमएसएमई के मेंबर्स, वो फेस करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्रंच आउट होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा तो लिमिटेड ही है लगाने के लिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने कच्चा माल खरीदा और उसको बना के आपने अपने वेंडर को दे दिया, अब परचेज करने के बाद आपका वो 1 लाख रुपए तो फंस गया, नया पैसा है नहीं। नए पैसे के लिए आपने लोन ले लिया मार्केट से हायर इंटरेस्ट पे, और उसके बाद आपको उसका ब्याज भी देना है, सामने आपकी पेमेंट रुक चुकी है, तो आप दूसरे आदमी को जो भी माल दे रहे हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होगी। जब तक पहला आदमी आपको पैसा नहीं देगा, तब तक आपका ब्याज चलता रहेगा। तो क्योंकि हमने पहले ही इस विषय पे चर्चा कर ली है कि एमएसएमई में ज्यादातर कट थ्रॉट प्राइसेस प्रिवेल करते हैं, मार्जिन वैसे ही बहुत स्क्वीज डाउन हो चुके हैं, तो उस संदर्भ में अगर मार्जिन है ही नहीं और आप हैवी इंटरेस्ट पे पैसा लेके और फिर आगे आकर आप बिजनेस करते हो,
तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस बिल्कुल क्रंच आउट हो जाएंगे, और एक ऐसा समय आएगा जब आपको अपने किचन एक्सपेंसेस के लिए भी लोन लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जितनी स्पीड से आप ऑर्डर्स को पूरा कर रहे हो, उतनी ही स्पीड से आपके बिल भी क्लियर हो। आप देखेंगे जितनी भी प्रोप्राइटरी कंपनीज होती हैं, अगर हम रिलायंस की बात करें, हिंदुस्तान लीवर की बात करें, तो इनकी सर्विसेज, इनकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी है और इनकी पेमेंट की जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि इनका सिस्टम इतना अच्छा है, इनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसलिए इनकी प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है। उससे हम ये नहीं कह पाएंगे कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इनके सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। अगर ये भी हमारे एमएसएमई के भाइयों की तरह फोन पे बिजनेस करना शुरू करेंगे, पहले पैसे नहीं लेंगे, पहले गारंटीज नहीं लेंगे, लोन लेने का एक स्लैब, उधार देने का स्लैब सेट नहीं होगा, तो ये भी दोस्तों थोड़े बहुत दिनों में, 6 महीने में, 1 साल में ये कंपनीज भी बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। इनके पास भी पैसा नहीं बचेगा आगे बिजनेस करने का। तो आप कभी भी कंपेयर करेंगे सिस्टम्स को, तो सिस्टम्स के लिए जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे ओएनजीसी की बात करें, चाहे आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स की बात करें, चाहे रिलायंस की बात करें, चाहे टाटा की बात करें, दे ऑल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट रिकवरी ऑफ पेमेंट्स। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनाए हैं और सिस्टम्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं, सो दैट द पेमेंट इज टाइमली रिकवर्ड। ऐसा नहीं हो कि इन्होंने लाख रुपए का माल दिया है और वो लाख रुपए में मार्जिन 10,000 का है और वो पेमेंट आ रही है 3 साल बाद, तो एक्चुअली कोई कुछ भी नहीं कमा पाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी बात क्या है, हमारे पास इतने एविडेंस ही नहीं होते कि हम सामने वाले व्यक्ति से अपना पैसा लीगली डिमांड कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग बिल रेस करते हैं, उसके बाद वो कच्चे में पैसा ले लेते हैं, ये एक तरीके से माल प्रैक्टिस है और ये न्याय संगत भी नहीं है। अगर आपने बिल रेस किया है तो ये लाजमी है कि जितने का बिल रेस किया है आप उतना ही पैसा लो। अगर आपने अंडर बिलिंग कर दी है तो आप उतने ही पैसे लेने के हकदार हो जितने रुपए का आपने बिल किया है। दूसरा सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रिसीविंग जरूर लें, डिलीवरी का डॉक्यूमेंट अपने पास तब तक संभाल के रखें जब तक आपकी पेमेंट नहीं आ जाती। मैंने पर्सनली बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे सिर्फ इसलिए वो अपना केस प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास गुड्स की डिलीवरी का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था, सिर्फ विश्वास पे काम हो रहा है। आपने माल यहां से भेज दिया, उन्होंने माल अब उतरवा लिया, उन्होंने माल बेच दिया, आपको पैसे नहीं दिए, आपने उनके ऊपर केस किया और केस करने के बाद आप यही नहीं साबित कर पाए माल मिला था भी कि नहीं था उनको। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है टाइमली पेमेंट्स ना मिलना, क्योंकि जो डिफॉल्टर होते हैं, डिफॉल्टर्स को आपसे ज्यादा लॉ पता होता है। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पे जो शरीफ आदमी है वो लॉ का उतना ध्यान नहीं देता, डिफॉल्टर प्रोएक्टिव होता है, डिफॉल्टर को पहले पता होता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो आपकी पेमेंट्स बाद में होल्ड कर ले और आप लीगली उनसे रिकवर ना कर पाओ। तो दिस इज द हाई टाइम फॉर ऑल माई फ्रेंड्स टू बिकम अ कॉन्शियस एंटरप्रेनर सो दैट नो पेमेंट इज डेट। उसके बाद प्रॉफिट के ऊपर भी असर पड़ता है, टर्नओवर के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी असर पड़ता है, हमारे क्रेडिट स्कोर्स भी उससे हिट होते हैं। हम अगर अपने व्यवसाय को और बड़ा कराना चाहें तो हम वो भी नहीं करा पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। टाइमली पैसा रिकवर करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते नहीं, और इन दी एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट जो आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि स्टार्टिंग में आदमी केस फाइल करता है, एक दो केसेस में वो हार जाता है, हारने के बाद वो कहता है कि यार हमारे देश का कानून खराब है,
या फिर मेरी किस्मत खराब है, या सामने वाला बहुत ज्यादा भारी पड़ गया हमारे पे, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। मेन थिंग इज दिस दैट इफ यू डोंट हैव एनी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर केस, इवेंचुअली आपको हारना पड़ेगा। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है कोर्ट में दिखाने के लिए या एमएसएमई में दिखाने के लिए और आपको दूसरा आदमी पैसा दे दे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी तक की बात जो हमें आगे तक अपने दिमाग में लेके चलनी है वो ये है कि क्या हम एमएसएमई में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी बात जो टेक अवे है वो ये है कि हमें जो भी बिजनेस में एंटर करना है हमें उसके सारे रजिस्ट्रेशंस कराने हैं। थर्ड वन कि हमें जिस भी व्यक्ति के साथ बिजनेस करना है हमें उससे डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रांजैक्शन करनी है। हमें सिर्फ फोन के ऊपर ऑर्डर लेके माल नहीं भेजना है। अगर हम फोन के ऊपर ऑर्डर लेके माल बेच भी रहे हैं तो हमें अपने पास एक सिस्टम क्रिएट करना होगा इनवॉइस में लिखने के लिए कि किसने ऑर्डर दिया, उसका नाम क्या था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, और वो आप अपने बिल में मेंशन करके भेजेंगे। वो बिल आपके गुड्स के साथ जाएगा परचेजर के पास। तीन कॉपीज होती हैं, एक कॉपी आप अपने पास रखते हैं, एक कॉपी ट्रांसपोर्ट से जाती है, एक कॉपी परचेजर के लिए होती है। जो ट्रांसपोर्टर कॉपी लेके जाएगा वो अपनी कॉपी पे रिसीविंग करके आपको वापस देगा। अगर वो ये भी नहीं दे सकता तो उसका भी एक प्रोविजन है, आप परचेजर को बोलेंगे कि एट द टाइम ऑफ रिसीविंग आप व्हाट्सएप पे या आप उस बिल की फोटो खींच के मेरे को भेज दें। आप ट्रांसपोर्टर को भी ये बात बोल सकते हैं कि वो उसके सामने खड़ा होकर उसको बोले कि आपको गुड्स मिल गए हैं, ऐसा व्हाट्सएप वो आपको भेज दे। तो ये कुछ एक छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो आप यूज करके अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द बेटर बिजनेस एनवायरमेंट। जरूरी नहीं है कि हमें सबसे लड़ना है, हमें बिजनेस भी करना है। तो हमें किसी के सामने ऐसी भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं फैलानी है ताकि वो ये सोचे कि इनके साथ काम करना मुश्किल है। आप उन चीजों को इजी बना दें। आजकल जितने भी फूड डिलीवरी के लोग होते हैं, अमेजोन से भी लोग आते हैं, वो आपसे पासवर्ड पूछते हैं, वो आपसे साइन कराते हैं। हम करते तो हैं साइन, ऐसा तो नहीं है कि हम साइन नहीं करते, हम करते हैं साइन। सिर्फ ये एक हमारी ओर से ये एक लथार्जी होती है कि छोड़ो यार कौन सिस्टम में पड़ेगा। तो जब भी हम ये सोचेंगे तो हमारी पेमेंट जरूर फंसेंगी। आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। कुरियर वाला आपको कुरियर देता है, वो भी आपसे साइन तो कराता ही है, चाहे उसको ये ना पता हो कि आपका नाम क्या है, आपने फोन नंबर जो लिखा वो सही है कि नहीं है, लेकिन वो अपनी खाना पूर्ति तो करता ही है। अगर आप मेरी बात को क्रॉस वेरीफाई करेंगे आज के विषय के बाद, सॉरी, तो आप ये देखेंगे कि हम भी जाने अनजाने में बहुत सी चीजों पे रिसीविंग देते हैं बट हम कभी भी उसको सीरियसली लेते नहीं। वो रिसीविंग इसीलिए ले रहे हैं ताकि बाद में कोई भी लिटिगेशन क्रॉप अप ना हो, और अगर लिटिगेशन क्रॉप अप हो देन दे हैव सम डॉक्यूमेंट टू रिलाय अपॉन। तो हर चीज का एक लॉजिक है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश का कानून ये बोलता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको देश का कानून नहीं पता तो इसका आप डिफेंस नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए, आप अच्छे वकील के पास जाइए, आप अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, आप अच्छे जो आजकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर सकते हैं अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। बिना किसी पैसे के आपको नॉलेज अपडेट भी होती है और आप इस तरीके से अपना अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। अब हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि अब अभी तक तो हमने सारी दिक्कतों के बारे में बात कर ली कि अब हम करें क्या, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इस की पीपीटी की आप फोटो भी ले सकते हैं सो दैट फ्यूचर में आप इसको एक बार अपनी मेमोरी फ्रेश भी कर सकते हैं इसको देख के। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने हैं। देखिए, रिकवरी इज दी करेक्टिव मेजर। अगर आपकी पेमेंट फंस चुकी है, आप क्या करना है, तो वो तो हो गया करेक्टिव मेजर कि अब हमें वो पैसा रिकवर करना है, वो करेक्टिव है। हमारी पेमेंट
फंसे ना और हम कभी भी दिक्कत परेशानी में ना आए, उसके लिए हमें करना क्या क्या है, वो क्या है। तो सबसे पहले हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम एक रिटन एग्रीमेंट करें सामने वाली पार्टी के साथ। रिटन एग्रीमेंट एग्रीमेंट से मेरा आशय ये नहीं है कि वो एग्रीमेंट 10-15-20 पेज का होगा। आप इनवॉइस को भी रिटन एग्रीमेंट मान सकते हैं। कोर्ट्स में और एमएसएमई में इनवॉइस को भी प्राथमिकता दी जाती है। आप रिटन एग्रीमेंट बनाएं, इनवॉइस बनाएं पूरा, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप लिखें। आप देखेंगे अगर आप कभी भी किसी बड़े एस्टेब्लिश्ड आउटलेट से कोई सामान खरीदते हैं तो आप देखेंगे उसके साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या चीज होती हैं? वो डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट है बेसिकली। आपने पेमेंट करी, आप ये मानते हैं कि आप इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप एग्रीमेंट अगर नहीं बना सकते तो आप अपने टैली के प्रोफेशनल को बोल रहे हैं कि वो आपके इनवॉइस के बॉटम पे ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर दें। दूसरा, जब भी आप इनवॉइस रेज करते हैं या एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको प्रॉपरली डेट के साथ और स्टैम्प के साथ एग्जीक्यूट करें, क्योंकि डेट और स्टैम्प ये दोनों लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी को सामान बेचते हैं तो कोशिश करें कि वो आपको परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर जरूर दे। बिना परचेज ऑर्डर के, वर्क ऑर्डर के अगर आप कोई भी गुड्स भेजते हैं तो इस बात की संभावना है कि गुड्स मिलने के बाद या गुड्स ना बिकने के बाद वो आपको ये बोलेगा कि मैंने जो क्वालिटी या मैंने जो ऑर्डर आपको दिया था, आपने उस क्वालिटी और उस ऑर्डर के कंप्लायंस में गुड्स मुझे नहीं बेचे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग पहले ऑर्डर दे देते हैं, माल खरीद लेते हैं, जब वो माल बिक नहीं पाता तो वो बोलते हैं अपने गुड्स उठा के ले जाओ, ये वो गुड्स हैं ही नहीं जो मैंने आपसे मांगे थे। तो ये डिफेंस वो तब नहीं ले सकता जब आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा है कि कौन से गुड्स वो खरीद रहा है और कौन से गुड्स आप बेच रहे हो। इसके अलावा आप अगर दूरी पास की है तो हार्ड कॉपी रखिए, बहुत दूर है तो आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी लेन देन कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं और आप ईमेल के थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। आप अपने इनवॉइस में या एग्रीमेंट में डिले पेमेंट के बारे में भी लिखिए कि वी आर एनरोल्ड मेंबर ऑफ एमएसएमई एंड इन केस ऑफ एनी डिले और डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट यू शैल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एमएसएमई एक्ट। आप अपने इनवॉइस में जरूर लिखिए, इस लाइन से बहुत वजन आता है और जब किसी को पता है कि आप एमएसएमई में एनरोल्ड हैं, उसको पहले से ये बात पता है तो संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है कि वो आपकी पेमेंट रोकेगा। एग्रीमेंट की ब्रीच के बारे में भी आप टर्म्स जरूर लिखें, फोर्स मेजर के बारे में, इंडेमनिटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज मैंडेटरी है उसमें आप जरूर लिखें। उसके अलावा गुड्स या सर्विसेज में कोई कमी है तो कितने दिनों में सामने वाली पार्टी को हमें बताना है। लीगली उसको डिलीवरी के 15 दिन के अंदर बताना है, बट हर आदमी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके नहीं बैठता। एमएसएमई एक्ट को कोई भी अपनी दुकान में रखता नहीं है, बट हाँ अगर आपने इनवॉइस में लिख दिया कि 15 दिन के अंदर आपको गुड्स की क्वालिटी के या गुड्स की सेटिस्फैक्टरी होने के लिए 15 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, 15 दिन से 16वें दिन अगर ऑब्जेक्शन रेज होता है तो उसका जो ऑब्जेक्शन है वो ओवर रूल्ड होगा, वो नॉन सस्टेनेबल होगा। ये आप भी समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप ही गुड्स बेचेंगे, हो सकता है आप भी गुड्स खरीदें। तो आप भी इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपके पास किसी भी गुड्स की डिलीवरी होती है, चाहे वो पैक्ड है चाहे वो खुला हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 15 दिन के अंदर उन गुड्स को आप देख लो। अगर आपने 15 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो पेमेंट आपकी ड्यू मानी जाएगी, आपको देनी होगी, चाहे उसके बाद वो गुड्स घटिया निकले खराब निकले वो अलग मसला होगा, बट पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर भी अप्लाई है और जो आपका क्लाइंट होगा उसके ऊपर भी अप्लाई है।
इसके अलावा जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो ये है कि जो भी आपको क्लेम करना है उसके लिए आपको समय सीमा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स आपको सारे ट्रांजैक्शन की लिखित में डॉक्यूमेंटेशन करनी है। कितनी पेमेंट आपके पास रिसीव हो रही है, कितनी पेमेंट पेंडिंग है, वो आपको अपने क्लाइंट को टाइम टू टाइम बताना है। हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हम सामने वाले से बिजनेस करते हैं, हम ऑन अकाउंट पेमेंट लेते हैं। देखिए पेमेंट दो तरह से होती है, एक होता है बिल टू बिल, एक होता है ऑन अकाउंट पेमेंट। तो बिल टू बिल पेमेंट में ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जिस जिस बिल की पेमेंट होती जा रही है उस बिल से 3 साल के अंदर ही आप किसी भी तरीके का केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। लेकिन जो ऑन अकाउंट पेमेंट होती है उसमें चाहे आप व्यापार 10 साल से कर रहे हैं, आपकी पेमेंट 10 साल से पेंडिंग है, अगर आप ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो लास्ट में जो भी लेजर की आउटस्टैंडिंग दिख रही है वो आपको देना पड़ेगा, चाहे उस लेजर के अंदर 10 साल पुरानी कोई पार्ट पेमेंट भी बची हो, तब भी वो देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो यही है कि हम लोग बिल टू बिल बिजनेस नहीं करते, हम लोग ऑन अकाउंट बिजनेस करते हैं। मिसाल के तौर पे पहला इनवॉइस 100 रुपए का था तो हमने उसको 75 रुपए दे दिया, दूसरा इनवॉइस भी 100 रुपए का था तो हमने उसको 50 रुपए और दे दिया। हम कभी भी बिल टू बिल सेट ऑफ करते ही नहीं। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पे आप लेजर शेयर करें पार्टीज के साथ। आप अपने परचेजर्स को बताएं कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग है और आप उनसे भी बोलें कि आप भी मुझे भेजो कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग है। आपके साथ, आप बड़ी कंपनीज के साथ भी काम करते होंगे, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके यहाँ पे सिस्टम होता है कि ऑडिट में सामने जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको बताना होता है कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग है हमारी तरफ और हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है आपकी तरफ, ताकि वो बुक्स कंप्लीट कर सकें। तो आप भी कुछ ऐसा सिस्टम अपने यहाँ पे बना सकते हैं जिससे कि सामने से एक्नॉलेजमेंट आपके पास आएगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्रिएट होगी इसी बहाने से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी जानकारियां हैं ये आप अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, अपने जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, कोई लीगल, अगर आपके पास कोई लॉयर है या आपके पास इम्पैनल्ड कोई लॉ फर्म है, आप उनसे भी जानकारियां लें टाइम टू टाइम कि नए नए क्या अपडेट्स आ रहे हैं। आप अपने आप को अपडेट रखें। ज्यादातर समस्या तभी होती है कि आप अपडेट नहीं होते हैं, आजकल क्या नए प्रोविजंस हैं, नए ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट से, वैट तो रहा नहीं, जीएसटी से क्या नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप उनको पता करके रखें। सो दैट कि कल को अगर आप अपना क्लेम बुक करते हैं एमएसएमई में तो आपका क्लेम रिपुडिएट ना हो जाए। तो आपको कानून से सहायता लेने के लिए कानून का पालन भी करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली अपने आप को अपडेट रखें, 10-15 मिनट एक हफ्ते में निकालें और अपने लॉयर से, अपने कंपनी सेक्रेटरी से, अपने सीए से चर्चा करें। इसके अलावा जितनी भी नई स्कीम्स होती हैं एमएसएमई में उनकी भी आप सूचना समय समय पर लेते रहें, वो आपको फ्री में उपलब्ध होती है तो वो आप जरूर लें। इसके अलावा जो भी व्यक्ति है जिसके साथ आप बिजनेस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जीएसटीएन, उद्यम आधार नंबर, पैन नंबर अगर उसका है तो वो आप अपनी फाइल में जरूर लगा के रखें। सो दैट कभी भी फ्यूचर में अगर कोई भी पेमेंट एक्यूमुलेट होती है तो आपको उसका सही एड्रेस पता करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप देखिएगा, ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है जो कि बहुत लोगों के साथ आती है, कि आप बिजनेस तो कर रहे हैं किसी दुकान के साथ, अब वो दुकान अगर वहां से शिफ्ट हो गई तो आपको यही नहीं पता कि अब वो गया कहाँ पे, अब हम उसको पकड़े कैसे। तो उसको पकड़ने के दो ही तीन तरीके हैं जो आपको ध्यान देने हैं। आप उसका GSTN नंबर जरूर लें, आप उसका पैन नंबर जरूर लें, आप उसका आधार कार्ड जरूर लें। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि जब भी आपको उसको बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कोई समन भेजना है, कोई ईमेल उसके पास जानी है, कोई व्हाट्सअप जाना है, तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि मुझे भेजना किसको है। अगर वो दुकान छोड़ के चला गया, आपका पूरा पैसा डूबने वाला है। तो आप डॉक्यूमेंट्स जरूर अपने पास संभाल के रखें एक फाइल में। अब मुझे आप लोगों से ये बात पता करनी पड़ेगी कि क्या आप लोग सिक्योरिटी चेक्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि जो मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं लेवल की, वो तो क्रेडिट अगर किसी को देती हैं तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस दे सिक्योर PDC चेक। तो अगर आप PDC चेक ले सकते हैं तो आप वो PDC चेक्स भी जरूर लें, सो दैट कि आपकी पेमेंट स्टक होने की संभावना और भी कम हो जाए। बट खाली PDC लेने से काम नहीं चलेगी, आपको जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसका ईमेल, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका GST, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे बिफोर यू गो टू गेट द लीगल रिकोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिससे भी आप व्यापार कर रहे हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आप किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, ये हमारे इंडिया में ये भी एक कल्चर है कि लोग अपनी वाइफ के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और वाइफ को प्रोप्राइटर बनाते हैं और वाइफ के नाम से बिजनेस करते हैं। हो सकता है कि जो मेंबर्स मेरी बात सुन रहे हैं वो भी ऐसा करते होंगे। तो इस सिचुएशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब उस पर्सन के साथ बिजनेस करें तो आप ये जरूर उसको बोलें कि आप मुझे कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा ईमेल कर दो कि आपको ऑथराइज किया है प्रोपराइटर ने मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। क्योंकि कई बार ये नहीं पता चलता, लोग लेडी को इंगेज तो कर लेते हैं, वो लेडी हो सकता है 80 साल की लेडी हो, 60 साल की लेडी हो, उनकी वाइफ है, उनकी मम्मी है, वो कौन है हमें भी नहीं पता होता। तो लीगली बिजनेस तो वो लेडी कर रही है आपके साथ, बट बीच में जो वाया मीडियम है वो कौन है, वो एक मेल मेंबर है। अब अगर कल को हमें किसी को केस करना तो हमें ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल इस बिजनेस की ओनर तो एक लेडी है, क्योंकि हमारे को ऑर्डर देने वाला एक आदमी है, हमारे पास उसी का फोन नंबर है, हम उसी पे केस कर देते हैं, हम उसी को MSME में भी पार्टी बना देंगे। बाद में पता चलेगा कि ये तो लीगली बाइंडिंग है ही नहीं। तो ये भी एक डिफिकल्टी है। तो इसीलिए आप पैन कार्ड जरूर लें, GSTN जरूर लें, सो दैट आपको ये पता चले कि एक्चुअली में आप बिजनेस कर किसके साथ रहे हो। अब हम ये देखते हैं, इस विषय पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या से वो माध्यम है जिनसे हम रुकी हुई पेमेंट्स को निकलवा सकते हैं दूसरी पार्टी से। देखिए, सबसे पहला तो जिस विषय पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, हम MSME के प्रोविजन से, जो इसके फैसिलिटी सेंटर्स होते हैं, हम वहां पर पिटीशन फाइल करके और पेमेंट रिकवरी का माध्यम चुन सकते हैं। दूसरा, जैसा कि हमने पहले चर्चा करी है कि अगर हमारे पास किसी का सिक्योरिटी चेक है तो हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रुकी हुई पेमेंट्स को रिकवर करने के लिए। तीसरा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है 2016, जो भी यहाँ पे लोग हैं, अगर कोई भी NBFC सेक्टर में है या उनको जानता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में प्रोसिक्यूट करते हैं लोगों को। इसी के अलावा ADRs होते हैं और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेसोल्यूशंस भी, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन होता है। हालांकि आर्बिट्रेशन कंसिलेशन MSME में अगर आप कोई रेफरेंस फाइल करेंगे तो भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में वो रेफर होता है इवेंचुअली। इसके अलावा सिविल सूट होते हैं पैसा लेने के लिए, जैसे
जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोर्टों में भी केस फाइल होते हैं पेमेंट की रिकवरी के, तो ये वही विषय है, सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। इसके अलावा समरी सूट्स होते हैं। समरी सूट से आशय ये होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से मेरा मतलब है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी चीज है जिससे आप प्रूव कर सके कि आपने एक निश्चित वस्तु किसी को बेची है और वो उसको मिल भी गई है और उसने 15 दिन या 45 दिन की जो डेडलाइन है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो आपकी पेमेंट ड्यू है। अगर आप ये सारी चीजें प्रूव कर देते हैं विद सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो आप समरी सूट्स में भी एंटर कर सकते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स में भी एंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपनी जो आजकल एक नया कल्चर भी चल रहा है कि जो मार्केट एसोसिएशंस होती हैं, तो मार्केट एसोसिएशंस में भी आप मीटिंग कॉल कर सकते हो। मीटिंग कॉल करके आप उस व्यक्ति को वहां पे इनवाइट कर सकते हो और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना जो भी ड्यू है उसके बारे में म्यूचुअल केस को रिजॉल्व भी कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आपको एमएसएमई में जाना होगा, आपको 138 में भी जाना होगा, आप ये भी एक माध्यम ले सकते हैं। इससे आशय बस ये है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम पेमेंट्स को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनके फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप लेटर ऑन इनको पढ़ भी सकते हैं कि इनसे आपको क्या क्या आप विकल्प ले सकते हैं एमएसएमई से पेमेंट निकलवाने के लिए। इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 7 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 9 अगर आप देखेंगे तो इसमें मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया है। सेक्शन 10 में क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, आपको क्या क्या क्रेडिट मिल सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। सेक्शन 11 में इसी तरह से प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसीज हैं। सेक्शन 12 में फंड्स के बारे में है। सेक्शन 13 में ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन कौन सी ग्रांट्स आप ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी है कि वो किस तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई को ग्रांट्स देगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के बारे में अगर आप देखेंगे सेक्शन 14 में डिस्क्राइब है। उसके अलावा सेक्शन 15 में लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट है, जो अभी हमने चर्चा करी है कितने दिनों में करना है, तो वो लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट्स है। सेक्शन 16 अगर आप बोलते हैं तो द डेज फ्रॉम विद द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेएबल, जब भी आपको गुड्स मिलेंगे, मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो आप इंटरेस्ट के हकदार होंगे। आफ्टर 30 डेज प्लस 15 डेज, आफ्टर 45 डेज यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 18% इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट। इसके अलावा सेक्शन 18 में रेफरेंस है टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटी सेंटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था चर्चा में कि जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो एमएसएमई के अंडर डिले पेमेंट का ऑप्शन नहीं अवेल कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस टू MSEFC है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, मीडियम यहाँ नहीं है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेस हैं तो आप कोर्ट्स के थ्रू अपनी पेमेंट से कवर कराएंगे। सेक्शन 19 पे है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिक्री अवार्ड और ऑर्डर। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया है पेमेंट रिकवरी का और उसको लगता है कि मैंने विद इन टाइम उनको ऑब्जेक्ट किया था या मेरे को गलत गुड्स दिए गए थे, तो वो उस अवार्ड को चैलेंज भी कर सकता है। और सेक्शन 24 में ओवरराइडिंग इफेक्ट्स की बात है, तो आप ये सारे के सारे विस्तार से पढ़ भी सकते हैं खाली वक्त में। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पेमेंट की रिकवरी किस तरह से की जा सकती है। अभी हमने चर्चा करी थी कि एमएसएमई में कैसे की जा सकती है, अब हम चर्चा करेंगे कि चेक अगर हमारे पास है तो हम किस तरीके से पेमेंट्स की रिकवरी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास चेक है तो चेक को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायर पेमेंट को रिकवर करने के लिए।
रीसेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स की, जिसमें अब ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि अगर आपने किसी को कोई माल दिया है और उस माल के एवज में आपने उतना ही अमाउंट भरा है जितना आपकी लेनदारी है, और आपने सामने वाले आदमी को ये बात निश्चित तौर पे बता दी है कि जो सिक्योरिटी चेक आपने मुझे दिया था, मैं वो सिक्योरिटी चेक भर रहा हूं अपनी इतने रुपए की लायबिलिटी के लिए, तो कृपया आप अपने अकाउंट में इतना फंड डाल के रखें, और अगर वो सिक्योरिटी चेक बाउंस हो जाता है तो भी जिसने वो चेक आपको दिया है ही इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 138। आज से पहले बहुत ही सारे केसेस में ऐसा नहीं हो पाता था कि सिक्योरिटी चेक अगर होता था तो सामने वाली पार्टी पैसे नहीं देती थी, वो सिविल रिकवरी का केस बनता था। तो अब आप खुले तौर पे सिक्योरिटी चेक्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर कोई आदमी आपको पेमेंट नहीं देता है तो आप उस चेक को यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा 138 के मैटर्स में क्या है, आप इसमें देखेंगे सेक्शन 139 लिखा हुआ है आइटम नंबर 2 पे, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर। देखिए, अगर आपने एमएसएमई रेफरेंस में केस फाइल किया और आपने सिविल में किया, तो आपको साबित करना है कि आपको पेमेंट लेनी है। आप इस विषय को बड़ा गंभीरता से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि 138 के अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं उन सभी में आपको प्रूव करना है कि आपको सामने वाले व्यक्ति से निश्चित पैसा लेना है। आपको गुड्स की डिलीवरी भी प्रूव करनी है, आपको गुड्स की क्वालिटी भी प्रूव करनी है, आपको वो इनवॉइस भी प्रूव करने हैं। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू प्रूफ। लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है 138 में। 138 में सेक्शन 139 ये कहता है कि देयर इज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर। इसका आशय ये है कि जिस व्यक्ति के नाम का चेक होता है, कोर्ट ये पहले दिन से मान के चलती है कि उसको वो पैसा मिलना चाहिए जितना उस चेक में लिखा है, वो उस पैसे का हकदार है। मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई चेक में 1 लाख रुपए की वैल्यू भर के डाल दी है, आपको ये प्रूव नहीं करना है कि ये पैसा आपने उससे लेना है, बल्कि जिसके ऊपर आपने केस किया है उसे प्रूव करना है कि मेरे को इसको कोई पैसा देना बनता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है आज के दौर में पेमेंट निकलवाने का। बट हाँ, मैं फिर से वही बात दोहराने की कोशिश करूंगा कि हमेशा जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल जरूर रखें, सो दैट अगर कोई भी लीगल एक्शन आपको लेना हो तो आपके पास पता होना चाहिए जिसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 138 का एक बेनिफिट ये भी है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट होने के बाद आप केस वहां फाइल कर सकते हैं जहां पे आपका बैंक अकाउंट है। मिसाल के तौर पे आपने किसी व्यक्ति को सामान बेचा केरला में और आपका ऑफिस है दिल्ली में, तो आपका केस, आपका ऑफिस दिल्ली में है और आपका अकाउंट भी दिल्ली में है, बैंक अकाउंट, तो केरला के आदमी को दिल्ली आना पड़ेगा। वो फ्लाइट लेके आए, वो ट्रेन लेके आए, वो जैसे भी आएगा उसको आना पड़ेगा। तो इसलिए हरासमेंट से बचने के लिए और लीगल प्रोसेस और कोर्ट्स को फेस ना करना पड़े, इसके लिए जो केसेस हैं दे आर लाइकली टू बी सेटल्ड, और 98% केसेस सेटल होते हैं 138 में। इसमें बस थोड़ा सा आपको लिमिटेशंस का ध्यान देना होगा कि जब भी आपका चेक बाउंस होता है, बाउंस होने के बाद विद इन 30 डेज आपको लीगल नोटिस भेजना है ऑपोजिट पार्टी को, और फिर उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आफ्टर 15 डेज। तो ये आपको ध्यान देना है। 138 का आप बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप चेक एज अ सिक्योरिटी रिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, आईबीसी इसको आप बोलते हैं, आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा रिकवरी मॉड्यूल है, जिसको आप यूज करेंगे तो आपके फंसे हुए पैसे निकलने की बहुत ज्यादा
संभावना है, ऐसा मैं मानता हूं कि शायद अभी फिलहाल बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी वाले मैटर ये है नहीं, तो हम इस पे बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। और वैसे भी आईबीसी में और एनसीएलटी में 1 करोड़ से ऊपर का ही ज्यूरिसडिक्शन एंटरटेन होता है। अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन बाय वे ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो गांव में जैसे पंचायत होती है, उसी तरह से आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन होते हैं। बट पंचायत का ऑर्डर लीगली बाइंडिंग नहीं होता, आर्बिट्रेशन का और कंसिलेशन का, आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन के ऑर्डर जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। अब हम जान लेते हैं कैसे होगा। जब भी आप किसी मैटर को आर्बिट्रेशन में लेके जाना चाहते हैं तो ये बात बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टी की लिखित सहमति हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी आदमी के साथ बिजनेस करने से पहले एग्रीमेंट बना सकते हैं, तो आप उस एग्रीमेंट में स्टार्टिंग में ही ये चीज लिख सकते हैं कि अगर हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट क्रॉप अप होता है, डिस्प्यूट क्रॉप अप मतलब कोई भी डिस्प्यूट अगर पनपता है तो हम कोर्ट में ना जाके हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोर्टों में बहुत ज्यादा मामले लंबित हैं, बहुत ज्यादा वक्त लगता है किसी भी केस को डिसाइड होने में, तो उससे बचने के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट को लाया गया है। आर्बिट्रेशन एक्ट में आप अपना आर्बिट्रेटर खुद ही अपॉइंट करते हैं, कोई भी सीनियर एडवोकेट को आप ले सकते हैं, किसी रिटायर्ड जज को आप ले सकते हैं, एनीबडी आप उनको हायर कर सकते हैं और वो आपके केस को सुनेंगे और वो उसमें अपना एक ऑर्डर अवार्ड पास करेंगे। तो अब हम इसमें ये जानते हैं सेक्शन 11 में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, आप खुद ही उस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज इस बात पे चर्चा करेंगे और साइन करेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे होगा। आर्बिट्रेटर एक हो सकता है, आर्बिट्रेटर दो हो सकते हैं, आर्बिट्रेटर पांच हो सकते हैं, आर्बिट्रेटर सात भी हो सकते हैं। तो कितनी संख्या होगी ये निर्भर करता है कि कितना बड़ा व्यापार है, कितना बड़ा पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी कंपनीज है। तो एक से शुरू हो सकता है और इट मे गो अप टू 5 or 7। जनरली 3 से ज्यादा मैंने नहीं देखा, बट क्योंकि थ्योरी है तो थ्योरी आपको बताना जरूरी है। प्रैक्टिकलिटी में आई हैव नेवर सीन मोर देन 3 आर्बिट्रेटर्स टिल डेट। अब आर्बिट्रेशन होगा कहां पे? आर्बिट्रेशन कहीं भी हो सकता है जहां पे दोनों लोगों की सहमति हो। मिसाल के तौर पे आप अगर यूपी में हैं और दूसरी पार्टी दिल्ली में है, तो आप चाहें तो यूपी में भी आर्बिट्रेशन हो सकता है, आप चाहें तो दिल्ली में भी आर्बिट्रेशन हो सकता है। आप जिस जगह को चुनना चाहते हैं, जिस लोकैलिटी को चुनना चाहते हैं, आप वो चुन सकते हैं जो आप दोनों के लिए कन्वीनियंट हो, बट ये लिखित में होना चाहिए, दोनों पार्टीज के साइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि आर्बिट्रेशन करा लेते हैं, इससे नहीं होगा, लिखा हुआ होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आर्बिट्रेशन में जाने के बाद जो ऑर्डर आर्बिट्रेटर ने दिया है वो ऑर्डर सही नहीं है, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। सेक्शन 34 है, आप देख सकेंगे, आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आर्बिट्रेशन का भी यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वी पेमेंट्स को निकलवाने के लिए। आमतौर पे एक आर्बिट्रेशन 6 से 8 महीने में खत्म हो जाती है, 2 महीने में भी खत्म हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, बट नॉर्मली 6 महीने का टाइम लग जाता है किसी भी एक आर्बिट्रेशन को पूरी तरह से ऑर्डर पास करने में। तो दिस इज अनदर वे टू गेट योर डिलेड पेमेंट रिकवर्ड। इसके अलावा हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि कोर्ट के द्वारा भी आप अपनी रिक्वायर्ड पेमेंट्स को रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि सभी लोग यहाँ पे जो आज हम बात सुन रहे हैं मीटिंग में, तो सभी लोग बिजनेसमैन है, सबको पता है कोर्ट में केस फाइल करके और हम पैसा निकलवा सकते हैं। तो इसको हम बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं डिस्कस करेंगे,
ऐसा मैं मानता हूं कि सभी लोगों को यह पता है कि कोर्ट में, कोर्ट भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं केस फाइल करके। समरी सूट्स के बारे में लोगों को कम पता होता है, ये भी कोर्ट में ही केस फाइल होता है, बट इसको समरी सूट्स बोलते हैं। समरी सूट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जितना भी प्रोसीजर होता है दैट इज वेरी शॉर्टन। इनमें जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी कंप्लायंस होते हैं, उनका बड़ा ही स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम होता है कि अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है रिप्लाई देने में या डिले करती है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिप्लाई कोर्ट कैन ऑर्डर अगेंस्ट द पार्टी और एज पर द मेरिट ऑफ द केसेस। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अब कोर्ट में अगर कोई भी आप केस फाइल करते हैं और वो केस 3 लाख रुपए से कम का है, तो क्या इफेक्ट होगा? और वो 3 लाख रुपए से ज्यादा का है तो क्या इफेक्ट होगा? ध्यान देने वाली बात है कि अगर 3 लाख रुपए से कम केस होता है तो सिविल प्रोसीजर कोड के कानून उस पे लागू होंगे। सिविल प्रोसीजर कोड के कानून से मतलब ये है कि सिविल प्रोसीजर में केस को खत्म करने का कोई टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में रिकवरी ऑफ मनी के केस 10-10 साल चल जाते थे। वो इसलिए चलते हैं क्योंकि सीपीसी के अंदर कोई भी टाइम फ्रेम डिफाइंड ही नहीं है कि एक केस कितने साल तक चल सकता है। अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा का केस है आपका, तो वो कमर्शियल कोर्ट एक्ट में जाएगा। कमर्शियल कोर्ट एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि केस मैनेजमेंट हियरिंग होने के बाद within 6 months जज को आदेश पारित करना ही होगा, और जो कि काफी हद तक प्रैक्टिकल भी है क्योंकि हम बहुत से कमर्शियल केसेस को रन कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अगर आप खींचें तो 1-1.5 साल आप केस को खींच सकते हैं। उसके बाद जैसे केस मैनेजमेंट हियरिंग आती है, केस मैनेजमेंट हियरिंग के बाद 6 महीने के अंदर केस सेटल हो रहे हैं, जजमेंट्स आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी रिकवरी पेमेंट्स को रिकवर करने का। इन सभी के लिए मैं बार बार एक फुटर में बात जरूर कहूंगा कि आप ये सारे ही प्रोविजंस का इन्वोकेशन, मतलब कि इन सभी प्रोविजंस को तभी आप अवेल कर सकते हो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनवॉइस होंगे, रिसीविंग्स होंगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, इनवॉइस, रिसीविंग्स, अपने लेजर्स, ये सब के सब आप हमेशा मेंटेन करके रखें। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यू कैन नॉट क्लेम योर डिलेड पेमेंट्स। अब जैसे कि हमने पहले चर्चा करी है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें खास तौर से ध्यान रखनी है, हम उसकी एक बार फिर दोबारा से समअप करने के लिए चर्चा कर लेते हैं। क्या करना है हमें? हमेशा आप अपना GSTN इनवॉइस पे मेंशन करेंगे, अपना उद्यन आधार नंबर मेंशन करेंगे, अपना पैन नंबर मेंशन करेंगे, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जरूर मेंशन करेंगे, जो आपसे गुड्स खरीद रहा है और जहां पे आप डिलीवरी कर रहे हो वहां का एड्रेस जरूर मेंशन करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि उन्होंने जो भी एड्रेस आपको बताया आपने वो मेंशन कर दिया, उसके बाद वो कहता है कि आप ड्राइवर को मेरा नंबर दे देना, ड्राइवर को मैं फोन करके सामान उतरवा लूंगा अपने गोदाम पे। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इस तरीके की प्रैक्टिकल समस्याएं आ जाती हैं। आप बिल टू और शिप टू में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा आम तौर पे बहुत केसेस में देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, परचेजर का बिल टू में एड्रेस भी सेम लिखते हैं और शिप टू में एड्रेस भी सेम लगते हैं। वो ठीक है कि अगर बिल टू और शिप टू एड्रेस सेम है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग अपने घरों से
छोटी छोटी दुकानों से काम कर रहे होते हैं, गोदाम उनके कहीं दूर होते हैं, वो ट्रक ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम यहां मत आओ, तुम गोदाम पे माल उतार दो, सामान गोदाम पे उतर जाता है, जबकि डॉक्यूमेंट्स में यही दिखता है कि शिप टू पे, इसका मतलब दुकान पे माल गया है, दुकान इतनी छोटी है कि उसमें एक ट्रक के बराबर माल आ ही नहीं सकता। तो ये भी एक डिस्प्यूट का एंगल बाद में क्रॉपअप हो जाता है, जो बाद में बहुत ही समस्या देता है और केस लंबा चलने की बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। उसपे अमाउंट बिल्कुल बराबर लिखें, कच्चे पक्के की पेमेंट लेने की आदत को थोड़ा सा परहेज करें, पेमेंट टर्म्स डिफाइन करें, क्या क्या पेमेंट्स होनी चाहिए। अगर 15 दिन में, 45 दिन में पेमेंट नहीं आती तो इंटरेस्ट जरूर लिखें। कई लोग 24% लिख देते हैं, कई लोग 35% लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 18% से ऊपर का इंटरेस्ट कोशिश करें कि ना लिखें आप, क्योंकि 18% से ऊपर इंटरेस्ट मिलता भी नहीं है। तो कोशिश करें कि 18% ही लिखें, या इसको 15% करें या 12% करें, अपने हिसाब से आप करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप इनवॉइस में 24% लिख रहे हैं, कोर्ट में जाके मांग 18% रहे हैं, तो वो इनकंसिस्टेंसी से आप बचें। इसके अलावा कॉरेस्पोंडेंस का क्या तरीका रहेगा, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, फैक्स, जो भी है आप उसका लिखें इनवॉइस पे। ये सारी डिटेल इसलिए लिखनी जरूरी है क्योंकि जब कोई डिस्प्यूट होगा तो वो आपको अपना ईमेल आईडी नहीं बताएगा। आज अगर आपके संबंध किसी व्यक्ति के साथ अच्छे हैं तो आप उससे कोई भी चीज मांगेंगे आपको सब कुछ देगा, क्योंकि उसको आपसे काम करना है। अगर कल को कोई रिफ्ट पैदा हो गई, मनमुटाव पैदा हो गया, आपको वो कुछ भी नहीं बताएगा अपने बिजनेस के बारे में। तो इसीलिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस विद एनी परचेजर और सप्लायर, यू प्लीज आस्क द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर योर रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंसेस। उसके बाद डिफेक्ट या क्वालिटी क्लॉजेस, अब आपके गुड्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके गुड्स किस तरीके के हैं, आप अपने गुड्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी क्लॉजेस को बनाए, ना कि ऐसा कि आपने किसी भी कंपनी का कॉपी पेस्ट करके वो लाइन वहां पे लिख दी। तो वो जो भी लाइन लिखनी है, किसी भी प्रोफेशनल से आप पहले एक बार सलाह कर लें कि मेरे लिए क्या ये लाइन उचित है, तो आप वो लिखिएगा उसमें जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करे। अगर पता चल रहा है आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने सर्विस प्रोवाइडर की लाइनें वहां लिख दी, या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने मैन्युफैक्चरर की टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी, तो वो नहीं चल पाएगा। ऐसा कट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, वो कभी कभी नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा अगर आपने माल को चेंज करना है, माल में अमेंडमेंट करनी है, तो उसका क्या हिसाब किताब रहता है, तो ये सारी चीजें आप पहले खोल के बात कर लीजिए, ताकि उसके बाद बिजनेस आपका सुचारू रूप से चले, बार बार बहस का मुद्दा ना बने। इसके अलावा जितने भी इनवॉइसेस हैं और जो बातचीत है, बातचीत से मेरा मतलब, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आजकल क्या है, बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, वो रिमाइंडर्स, जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं उनको रिमाइंडर्स भेजते हैं टाइम टू टाइम। सॉफ्टवेयर में आप उनका मोबाइल नंबर, उनका अमाउंट डाल दीजिए, जैसे कि आप बैंक में होता है, आप अगर बैंकिंग करते हैं, आपने लोन ले रखा है, तो हर महीने आपके पास किश्त लगने से हफ्ता 10 दिन पहले ईमेल भी आ जाती है और मैसेज भी आ जाता है। अगर आपने ऐसा कुछ सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है, तो आप उनके भी स्क्रीनशॉट्स, उनके भी प्रिंटआउट्स अपने पास रख सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर केस। इसके अलावा ईमेल के प्रिंटआउट्स, या फिर व्हाट्सएप के प्रिंटआउट्स, या कोई भी टेलीग्राम है आजकल, बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं, इनके भी प्रिंटआउट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी से किसी भी गुड्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक परफॉर्मा इनवॉइस उसको भेज देते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी एक आदत है, जो कि लोग बहुत ही आजकल फैशन में है भी और लोग कर भी रहे हैं, बट फिर भी कई लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो मेरा ये आपको एक एडवाइस है कि आप किसी को भी इनवॉइस भेजते हैं या गुड्स भेजते हैं, गुड्स भेजने से पहले एक आदत को डाल लें कि सभी को परफॉर्मा इनवॉइस भेजना है। उससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि इनवॉइस में कोई गलती है या कोई परेशानी है वो भी आपको पता चल जाएगा, दूसरी बात जो पेमेंट आपने उसमें लिखी है वो सामने वाले को एडमिट है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा। तो दोनों ही चीजें ठीक है, क्योंकि जीएसटी आपको जेब से भरना पड़ेगा, चाहे वो पैसे दे चाहे वो ना दे। तो इसीलिए आप इस बात पे खास ध्यान रखें कि जब भी आप बिल रेस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उससे पहले परफॉर्मा इनवॉइस उसको दे दें,
परफॉर्मा इन्वेस्ट के बारे में मैं समझता हूँ कि सबको पता होगा, और नहीं भी पता है तो एक बार अपने अकाउंटेंट से, अपने सीए से, या कोई अगर आपके पास लॉयर है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। इसके अलावा हमेशा इस बात की संभावना रखें कि आपसी बातचीत से ना केस सेटल हो जाए, क्योंकि कोर्ट्स में जाने से, कहीं भी जाने से काफी वक्त और पैसा खराब होता है। तो सबसे पहले आप आपसी भाईचारे से, बातचीत से मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वो मैटर आपसी सहमति से रिजॉल्व नहीं होता तो आप एमएसएमई में और कोर्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं, बट वो बढ़ तभी सकते हैं और बढ़ना तभी चाहिए जब आपके पास सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स हों। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पेक्यूलियर डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव योर केस, देयर इज नो स्कोप एंड देयर इज नो सेंस टू अप्रोच एनी ऑफिस टू गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क, कोई भी डिजाइन, कोई भी कॉपीराइट अगर आपका होता है तो आप उसको भी सिक्योर कीजिए और इनवॉइस में आप लिख के भेजिए कि भी मैं अगर आपको सामान बेच रहा हूं तो आप मेरे ट्रेडमार्क का सामान किसी और से नहीं बनवाएंगे, ये ट्रेडमार्क का ओनर मैं हूं या इस डिजाइन का ओनर मैं हूं, आप किसी और को ये सामान बनाने का ऑर्डर नहीं देंगे। आप देखेंगे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपके साथ एग्रीमेंट साइन कराते टाइम ये बता देती हैं कि ये ट्रेडमार्क हमारा है, हम ही आपको ये ट्रेडमार्क बेचेंगे और हमारे ही मान्यता प्राप्त रिटेलर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर सीएनएफ से आप ये माल खरीदेंगे, अदरवाइज किसी से नहीं खरीदेंगे। और अगर कोई भी आदमी नकली सामान मार्केट में बेचता है तो आप हमको बताएंगे, ये भी उसमें एक क्लॉज होता है कि अगर आप if you come across the fact that somebody is surfacing the duplicate products in the market, you shall inform the company at once. तो हिंदी में इसको ये बोलेंगे कि अगर कोई भी आदमी जाली सामान या नकली सामान मार्केट में बेच रहा है तो आप कंपनी को जल्दी से जल्दी उस बात की इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप ये भी प्रैक्टिस ला सकते हैं अपने काम को ठीक से चलाने के लिए। तो ये एमएसएमई और अलग अलग जो भी प्रावधान इंडिया में अप्लाई हैं, आज हमने उस विषय पे चर्चा करी है। आप एमएसएमई के थ्रू भी पेमेंट रिकवरी कर सकते हैं, आप आर्बिट्रेशन कंसीडरेशन से भी पेमेंट रिकवरी कर सकते हैं, आप 138 से भी पेमेंट रिकवरी कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप कमर्शियल कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। तो ये निम्नलिखित प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जहां से आप अपने रिक्वायर्ड पेमेंट्स को रिकवर कर सकते हैं और जो कि करनी भी चाहिए। टाइम आप हमेशा याद रखें, लिमिटेशन होता है 3 साल का, कोई भी पेमेंट अगर आपकी है आपको 3 साल के अंदर उसकी डिमांड को कोर्ट में दाखिल करना है, चाहे वो एमएसएमई हो चाहे वो कोर्ट हो, आपको 3 साल के अंदर वो दावा अपना कोर्ट में पेश करना है। 3 साल के बाद आपके किसी भी दावे पे कोई सुनवाई कोई भी कोर्ट कोई भी एमएसएमई नहीं करेगी। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, समय को याद रखें, लिमिटेशन को हमेशा याद रखें। मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि कितने दिन की क्रेडिट एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, वो इसीलिए होता है कि आप लिमिटेशन बार्ड ना हो। तो दोस्तों ये आज की प्रेजेंटेशन थी। अब अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन मेरे से कृपया पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। रवि सर से बहुत इंफॉर्मेशन, हमें बहुत नॉलेज वाली चीजें सीखने को मिली। इनफैक्ट सर मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला जो भी आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन जो आपने दी है। आई होप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज जिनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस सेशन को लेके आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं, ताकि मैं रवि सर से बोलूं कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर करें। आप मुझे चैट में भेज सकते हैं सब लोग जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेरीज हैं। रवि सर
हाँ जी मैम जी, रवि सर, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। जैसे पूछें। ये मखीजा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिसाइडेड। हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिसाइडेड। यस सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिसाइडेड म्यूचुअली ऑल्सो, बट अगर आप प्रोविजन देखेंगे तो एमएसएमई के अंदर जो प्रोविजन है वो प्रोविजन है 3 टाइम्स ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय अ बैंक। जैसे कि 6% एफडी रेट होता है, 7% एफडी रेट होता है, तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना इंटरेस्ट आपको एमएसएमई दे सकती है, बट कोर्ट नहीं देती। कोर्ट आपको इंटरेस्ट देगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18%, वो भी कमर्शियल लिटिगेशंस के अंदर। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि पार्टीज कैसे डिसाइड करेंगी, सर उसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है नहीं। आप इन टर्म्स ऑफ लॉ ही इंटरेस्ट को डिसाइड कर सकते हैं। लॉ ये बोलता है कि अगर 138 का केस है चेक बाउंस का, तो चेक बाउंस में सेक्शन आई थिंक 80 है, आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेक्शन 80 ये बताता है कि 18% इंटरेस्ट आप कोर्ट से ले सकते हैं अगर आप सिविल केस भी फाइल करते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि 138 में क्रिमिनल केस फाइल होता है, 138 में सिविल केस भी फाइल होता है, और अगर आप सिविल केस फाइल करते हैं तो आप 18% इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट देती भी है। बाकी आप 35-40% इंटरेस्ट अगर म्यूचुअली ले भी लेंगे तो कोर्ट आपको देती नहीं है वो कभी भी। आई होप सर हमारा ये जो आंसर है सेटिस्फैक्ट्री होगा आपके लिए। एंड सर कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे हाउ मच टाइम जनरली टेक इन रेजोल्यूशन ऑफ द डिलेड पेमेंट केसेस थ्रू आर्बिट्रेशन फ्रॉम पीएसयू क्लाइंट। देखिए ये तो डिपेंड ये करता है कि आपने आर्बिट्रेशन सेंटर कौन सा चुना है। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन सेंटर है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जिसको बोलते हैं, अगर आप वो चुनते हैं तो जनरली 4 महीने में, 5 महीने में रेजोल्यूशन आ जाता है उसका। ओके हाँ आई होप ये आंसर भी सेटिस्फैक्टरी रहेगा जिन्होंने भी पूछा है। एंड मैं सबसे ये बताना चाहूंगी कि अगर कुछ आपको क्वेश्चन सर से डायरेक्ट पूछने हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको कनेक्ट भी कर दूं। सर कुछ क्वेरीज ये भी है कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? ये विवेकानंद सर ने ये क्वेश्चन किया है। सर आई वांट यू टू प्लीज रीसेंड मी द क्वेश्चन विद द डिटेल्स, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। नहीं, मैं क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया। जी अच्छा जी मैंने उनको बोला है कि वो अच्छा दोबारा, हाँ वो दोबारा हमें भेजेंगे विद द डिटेल्स। और एक सर एक क्वेरी और है, मिस्टर अनूप वैद्या, वी आर डीलिंग विद एमएनसी बट दे हैव नॉट ऑनर्ड पेमेंट्स, आल्सो नॉट प्रोवाइडिंग देयर लेजर स्टेटमेंट, आर फॉल्ट इज डिलेड डिलीवरीज। देखिए ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मामला खराब हो जाता है ना सर, सर का नाम क्या है एक बार मैं जान सकता हूँ? मिस्टर वैद्या, अनूप वैद्या। वैद्या, हाँ मिस्टर अनूप वैद्या। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ बिजनेस करते हैं तब वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे देते हैं, बट जब रिफ्ट क्रॉप अप हो जाते हैं तो लोग देते नहीं है। अभी फिलहाल जो आप कर सकते हैं वो यही है कि अगर लिमिटेशन बार्ड आपका क्लेम नहीं है तो आप एमएसएमई के पोर्टल के थ्रू एक डिमांड रेस कर सकते हैं, और डिमांड रेस करने के बाद आप पिटीशन बना के एमएसएमई एफसी में सबमिट भी कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत जल्दी पेमेंट दे देती हैं, बहुत ही अच्छा स्कोप है एमएसएमई के तहत। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ वैद्य जी, कि अगर आपको सामने वाली पार्टी का जीएसटीएन पता है और वो आपको पेमेंट नहीं देती, तो एमएसएमई एक्ट में ये मेंशन है और ये पावर्स भी हैं एमएसएमई एक्ट में कि वो सामने वाले जो नॉन पेयर है, डिफॉल्टर है, उसका जीएसटी नंबर भी ब्लॉक हो सकता है। तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
एमएसएमई हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, चाहे वो नेशनल कंपनी हो, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी हो, अगर उसका ऑफिस इंडिया में है तो एमएसएमई के प्रावधान उस पर लागू होते हैं और वो पैसा आपको देंगे। आप इनिशिएट कीजिए आपके केस को, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बस तैयार रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्लेम डालेंगे तो इनवॉइस होना चाहिए, सर्विसेज डिलीवर होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर ये सब चीजें पूरी हैं तो आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर वो पेमेंट नहीं दे रहे, लेजर नहीं दे रहे, तो ये एक अजीब सी समस्या है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा आमतौर पर करती नहीं है। अगर आप उनको मेल भेज रहे हैं तो आता है, आप हायर जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको एक सीसी भी कर दीजिए तो हो सकता है आपका लेजर आ जाए। अगर लेजर नहीं आ रहा तो एक अलग बात है, अगर पेमेंट स्टक है तो उसके लिए आप एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मिस्टर राव है हमारे साथ, वो पूछ रहे हैं कि इफ इनवॉइस इज रेज से ऑन फर्स्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और इंस्टॉलेशन हैपेंस ऑन 15, वेदर 45 डेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट और फिफ्थ। आपने 15th बोला या 5 बोला? सर 15, 15 ना? मैं रिपीट करती हूँ सर क्वेश्चन। इफ हाँ इनवॉइस इज रेज से ऑन फर्स्ट एंड ओके ओके एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और इंस्टॉलेशन हैपेंस ऑन 15th, तो हाँ वेदर 45 डेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट और 15th। फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है सर, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस नहीं होता, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। द टाइम एक्रूज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, 15 से होगा ये, एक से नहीं होगा, 15 से होगा। राकेश सर, आई होप आपको आंसर मिल गया है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर ये अगला क्वेश्चन है, नवनीत जी हैं हमारे साथ। इज इट नेसेसरी टू गिव पेमेंट नोटिस टू बायर बिफोर फाइलिंग केस इन एमएसएमई, ये पूछ रहे हैं। सर मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नोटिस भेजने का सबसे अच्छा फायदा ये है सर, जो इसका पैसिव बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूं। पैसिव बेनिफिट ये होता है कि इफ द नोटिस इज डिलीवर्ड यू आर श्योर अबाउट द कम्युनिकेशन एड्रेस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। आपने अगर कोई केस फाइल कर दिया और फिर पता चला कि एड्रेस ठीक नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो ये कि सामने वाली पार्टी नोटिस से डर भी जाती है, पेमेंट कर भी सकती है, क्या पता आपको कर दे अगर आप खुशकिस्मत हो तो। और दूसरा, आप पैसिवली ये बात पता कर सकते हैं कि उसका एड्रेस लाइव है या नहीं, वो उस एड्रेस पे आज है या नहीं। तो ये दो फायदे आपको पहुंचते हैं निश्चित तौर पे। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये पूछ रहे हैं सर कि से देर इज अ सिचुएशन दैट देर आर 25 बिल्स रेज्ड ऑन बायर एंड बायर पेड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 15 बिल्स आफ्टर डिले ऑफ 180 टू 250 डेज। से देर इज अ सिचुएशन दैट देर आर 25 बिल्स रेज्ड ऑन बायर एंड बायर पेड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 15 बिल्स आफ्टर डिले ऑफ 180 टू 250 डेज। कैन वी रेज एस क्लेम फॉर इंटरेस्ट ऑन सेड 15 बिल्स एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन 10 बिल्स, ही इज आस्किंग। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। डिलेड पेमेंट में अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है, पेमेंट जब आपको मिली है, अब ये एक सब्जेक्टिव बात हो गई कि जब आपको उसने उन्होंने पेमेंट दिया है तो क्या आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया था। अगर तो उन्होंने पेमेंट डिले करी है आपको और आपने कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं किया, तो लेटर ऑन स्टेज पे ऑब्जेक्शन रेज कर तो आप देखो सकते हो सर। थ्योरी, अगर हम थ्योरिटिकली बात करें तो यू कैन रेज दी ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो रेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सक्सीड नहीं हो पाते क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे लेटर ऑन कि आपने ऑब्जेक्शन किया था या उन्होंने आपको जब पेमेंट करी तो आपने एक्सेप्ट किया। वो भी तो ये बोलेगा कि मैंने जब पेमेंट करी थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पेमेंट को, तब तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज सब्सटेंशियल टाइम के बाद अगर आप कोई भी एजेंडा लेके जाते हो तो वो सस्टेनेबल होता नहीं है सर कोर्ट के अंदर प्रैक्टिकली। ठीक है, थैंक यू सर।
एंड सर एक क्वेश्चन है, ओनली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज इनफ टू फाइल केस और वी हैव टू रजिस्टर एनीवेयर एल्स? नो, ओनली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज इनफ। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग पूछना चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, बात करना चाह रहे हैं रवि सर से डायरेक्ट, प्लीज वो अपने हैंड रेज कर लीजिए. नवनीत, नवनीत सर हैं सर, एक बात करना चाहेंगे आपसे. हाँ प्लीज मैम करा दीजिए। हेलो, हेलो। हाँ नवनीत जी, गुड या गुड आफ्टरनून चौहान सर. मैं एक बात आफ्टरनून पूछना चाहता आपसे कि हमने जो पार्टी है उसका हमारे पास सारा एड्रेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम दिल्ली सर. बेस्ड हैं, हम बॉम्बे बेस्ड है. हम लोगों ने उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करी और डिलीवर भी हो गई, सब कुछ हो गया. उन्होंने मेल पे हमें लिख के दिया कि आप बिल रेज कर दीजिए. हमने परफॉर्मेंस वाइज भी भेजे हुए थे पहले उनको, उसके हिसाब से उन्होंने हमें 50% एडवांस भी दिया. अब हमने इनवॉइस रेज कर दी है, ये आपका बात 60 डेज से ऊपर हो गया है. अब वो बिल्कुल ही इनकम्युनिकेटिव हो गए हैं. अब उनको हमने मेल भी लिखी है, उनसे व्हाट्सएप चैट भी किए हैं, वो कह रहे हैं हमें क्लाइंट से आगे से पैसा नहीं आया अभी तक, तब हम आपको देंगे. फिर अब डिले करते जा रहे हैं, और अब हमने उनके MD तक को मेल लिखी है और उसके बावजूद भी वो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. अब बस पेमेंट ऐसे ही बोलते कितना रहते हैं, लिखी फोन पे बोलते रहते हैं कि दे देंगे, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, ऐसे चल रहा है उनके साथ. है उनकी सर? एक्सेप्टेंस आपके पास आ गई है ना कि हम पैसे एक्सेप्टेंस है सर, देंगे? उन्होंने कहा है बिल रेज कर दीजिए, आपने बोल दिया बिल रेज कर दीजिए, काम हो गया है. तो फिर ना आप सर, आप उसको ना ज्यादा फॉलोअप देखिए आप कर सकते हैं. अब ये टू एज वेपन होता है कि आप फॉलोअप करते हैं, पेमेंट आ जाती है तो दैट्स फेयर इनफ. बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा लेंदी कम्युनिकेशंस करने से ना प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्रॉप अप ये होती है कि वो ईमेल पे कुछ ना कुछ ऐसा लिख के दे देगा जो आपका जो प्राइमा फेशा है बिल्कुल साफ सुथरा केस होगा ना, उस पर डेंट कर देते हैं. जनरली अच्छा लोग ऐसा कर देते हैं. जैसे अभी आपके पास बिल्कुल क्लीन डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे, ईमेल पे भी एकदम क्लीन है आपका. बिल्कुल, मैं लेजर ही भेज दिया सर उनको कि आपने इतनी पेमेंट दी थी, ये इनवॉइस नंबर है, इतना परसेंट आ गया, इतना रहता है, ये सब में लिखा हुआ है. पर कम्युनिकेट मेल पे तो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे वो लोग. मैं वही कह रहा हूँ ना सर, ये अच्छी बात है कि अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे ना तो ये आप फायदे की चीज है. वैसे तो देखो नुकसान है कि आपकी पेमेंट फंसी हुई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. बट वो क्लाइंट इतना शातिर नहीं है. जो शातिर लोग होते हैं वो करते क्या है कि वो ईमेल पे ही ना डिस्प्यूट क्रॉप अप कर देंगे. हाँ जी, वो ईमेल पे ऐसी ऐसी बातें लिख देंगे कि आप रिकॉर्ड को कहीं दिखाई नहीं पाएंगे, तो पेज फंस जाएगा मतलब. पेज आपका फंस जाएगा. तो आपका केस बिल्कुल ही क्लीन है. आप एमएसएमई में अपना रेफरेंस फाइल कर दीजिए. होता अच्छा सर, क्या है कि कई बार जो झगड़े होते हैं उसमें जो ज्यादा शोर मचाता है उसको पैसा पहले मिल जाता है. अच्छा हम लोग ये सोचते हैं कभी कभी कि यार हम थोड़ा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, हाँ क्लाइंट रिलेशनशिप से खराब खराब ना ना हो, हो. फ्यूचर बिजनेस खराब ना हो, प्रोस्पेक्टिव ना हो, हम कोर्ट कचहरी वाले लोग नहीं है, हम झगड़ा नहीं करते. तो ऐसी हाँ जी सोच सर, कभी कभी डिले कर देती है चीज को. तब तक क्या होता है कि कंपनी के पास अगर फंड्स होते भी है ना तो वो उन लोगों को दे देते हैं जो पहले ही इनिशिएट कर चुके होते हैं लीगल कोर्सेज को. तो उनके आप ऊपर हमने पता किया था, उनके ऊपर पहले से एक दो FIR हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि जिनने FIR कर रखी है उनके ऊपर उनको लगता है पहले पैसे दे देंगे होंगे, मुझे यही लग रहा है. तो मैंने तो कहा आपसे मैं वही आपको बता रहा हूं सर, आप अपना क्लेम फाइल कर दीजिए. जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं. हाँ जी. वो अनरिस्पॉन्सिव हो तो गए हैं बट उसका अब आपको फायदा कैसे लेना है? दिस इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन. एज सून एज पॉसिबल वी शुड फाइल द केस इन आप MSME. फाइल कर दो इससे पहले कि आपसे पहले 100 लोग वहां केस फाइल करें. आप अपना रेफरेंस पहले फाइल करो और फिर आप वेट करो. राइट सर. हाँ, इससे पहले कि कोई ऐसा इशू वो क्रॉप अप कर दें या आगे से कोई सर्विस की बात आ जाए या कुछ भी हो सकता है सर. देखो एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड सिचुएशंस आर देयर. हाँ जी सर, तो आप जिस दिन क्लेम फाइल करोगे उसके बाद अगर कोई भी चीज क्रॉप अप होती है तो दैट शैल दैट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एग्जैक्टली. हाँ, जिस दिन आपने केस फाइल कर दिया बस वही होगा कॉज ऑफ एक्शन. उसके बाद अगर कोई भी सिचुएशन क्रॉप अप होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है. ठीक है सर, इस पे हाँ कितना टाइम लग जाता है सर वैसे MSME में, अगर केस फाइल करेंगे तो रिजॉल्व होने में? सर, देखो रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगता है ये तो दूसरी पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है. बट हाँ, आप अगर लॉग इन करते हैं आज तो विद इन 1 और 2 मंथ्स उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी. अच्छा सर,
हाँ उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और उसके बाद आपका ऑफिस किधर है? हम सर नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है, वो बॉम्बे में है। हाँ तो न्यू दिल्ली का जो ऑफिस लगता है सब रजिस्ट्रार का, वो कहाँ लगता है? एसडीएम ऑफिस। एसडीएम सर साकेत लगेगा शायद, साकेत कोर्ट लगेगा। हाँ तो फिर आपका जो भी एसडीएम ऑफिस होगा ना सर, वैसे लाजपत नगर में है एक। शायद वहां पे भी है। खान जी हमारा शायद साउथ एक्स का, साउथ एक्स में तो शायद लाजपत नगर ही होगा हमारा। आपका लाजपत नगर होगा, वो जो गार्गी कॉलेज बिल्डिंग है ना, हाँ जी, हाँ जी सर। ओल्ड गार्गी कॉलेज बिल्डिंग, वहीं पर ही एसडीएम ऑफिस है, वहीं पर ही एमएसएमईएफसी है, अच्छा सर, तो वहीं आपका केस लगेगा। ये नहीं तो ये हम तो वैसे ऑनलाइन डालेंगे ना, फिर वो हमें जैसे भी बोलेंगे तो नहीं ऑनलाइन। ऑनलाइन डलेगा। ऑनलाइन डलने के बाद जब वो पार्टी टर्न अप नहीं करेगी, तो अगला प्रोसीजर यही होता है कि आपका जो रेफरेंस होगा उसको ये जो एसडीएम है वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। फिलहाल जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है वो इसको देख रही है, तो इनको ऑफिस जो है वो वहीं दिया हुआ है, एसडीएम ऑफिस के अंदर ही। ओके सर, हाँ आप जाएंगे तो वहीं पर ही ऑफिस है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम। सर नेक्स्ट है किशन, मिस्टर किशन बात करेंगे आपसे। अच्छा जी, किशन जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर से। घनश्याम जी पूछेंगे सर, एक्चुअली उनका कनेक्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मेरे मेरी क्वेरी ये थी कि अगर एज पर एमएसएमई एक्ट 45 डेज का टाइम फ्रेम रहता सर, बट अगर इनवॉइस में उससे कम या बेसी ज्यादा लिख दिया जाए तो सर कौन सा प्रिवेल करेगा सर? एक बार सर क्वेश्चन को प्लीज रिपीट करेंगे सर एक बार। सर एमएसएमई एक्ट में जैसे 45 डेज का टाइम फ्रेम रहता है कि विद इन 45 डेज अपना पेमेंट वी कैन मतलब कर देना चाहिए एमएसएमई को, हाँ बट अगर इनवॉइस जो जनरेट मतलब रेज करते हैं उसमें अगर ऐसा क्लॉज लिखा है कि 30 डेज के अंदर में देना है या फिर 60 डेज के अंदर देना है, तो सर कौन सा प्रिवेल करेगा? एमएसएमई एक्ट प्रिवेल करेगा या इनवॉइस प्रिवेल करेगा सर? सर प्रिवेल तो देखिए एमएसएमई ही करेगा। अगर आप एमएसएमई के टाइम को घटा देते हैं तो एमएसएमई ही प्रिवेल करेगा। आप अगर उसमें 60 दिन लिखेंगे, 70 दिन लिखेंगे, तो दैट इज योर डिफिकल्टी। ओके जो एक्ट है, एक्ट बोलता है कि 15 प्लस 30 डेज, तो 45 डेज है, तो ओके आप हमेशा 45 डेज को ही काउंट करेंगे। अगर आपने 60 दिन लिख दिया है तो आप 60 दिन तक वेट तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई हार्म नहीं है। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, हाँ एमएसएमई एक्ट बोलता है कि 45 डेज तक मैं पेमेंट कर सकता हूं। अगर मैं नहीं करता हूं तो कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाएगा टू फाइल द रेफरेंस। आप बात को समझें, क्या होता है कि ऐसा नहीं कि 45 दिन के बाद रेफरेंस फाइल नहीं होगा, 45 दिन के बाद ही रेफरेंस फाइल हो सकता है एमएसएमई के अंदर। अगर आपने उसको 60 दिन कर दिया है एग्रीमेंट के हिसाब से, आप जी 15 दिन वेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। जी आप 45 दिन के बाद फाइल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 45 दिन के बाद आपकी, अगर आपने 46वें दिन कर दिया और एग्रीमेंट में 60 दिन, तो आपकी कंप्लेंट इन्फेक्शस हो जाएगी। वो इन्फेक्शस नहीं होगी क्योंकि उसके पास जब ईमेल जाएगी तब तक 60 दिन खत्म हो चुके होंगे। ओके सर। हाँ ऐसा नहीं है कि आपने आज इवनिंग में अगर कंप्लेंट लॉग इन किया है तो कल सुबह सुबह उसके पास ईमेल पहुंच जाएगा। ईमेल जाने में भी 15 20 25 दिन लगते हैं। तो आप कोशिश जी करें, मैंने देखिए आपको अभी डिटेल में यही चीज समझाई सर, कि हमें वो काम करना है जो लॉ कह रहा है। अगर लॉ क्लियर है कि 45 डेज है, तो आप भी उसको प्लीज 45 डेज लिखिए। अगर सामने वाली पार्टी 15 दिन का एक क्वेश्चन मांग रही है तो आप उसको दे दीजिए, बट आप उसको पहले ही 60 दिन करके चलेंगे तो वो सर 80 डेज होगा। जी आज हम अपनी आज पूरी चर्चा जो हमने आज करी है वो इसीलिए करी है कि हाउ टू स्टॉप द एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स एंड टू गेट रिड द डिले पेमेंट्स। तो हम डिले पेमेंट से तभी बच पाएंगे जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इन कंप्लायंस ऑफ एमएसएमई एक्ट कर देंगे। तो आपसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि जो भी आगे से आप करते हैं तो वो 15 प्लस 30 45 दिन ही करिएगा। जी सर एक और छोटी सी क्वेरी थी सर,
जैसे किसी 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 पार्टी को हमने ऑलरेडी डिमांड नोटिस भेज रखा है, लेकिन हमारे पास में कोई पीडीसी है नहीं उनका उनका, और काफी रिटर्न भी आ गया, मतलब अनडिलीवर्ड हो गया है। तो सर इस केस में वो पार्टीज भी अनरिस्पॉन्सिव है, तो इस केस में क्या रिकोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए सर? आपने उनके जीएसटी नंबर पे जो एड्रेस लिखा है वो सर्च किया ऑनलाइन जाके? जी सर, जीएसटीएन नंबर है तो जीएसटीएन नंबर का एड्रेस पे ही नोटिस मतलब चिट्ठी गई थी। अच्छा, तो आधार नंबर लिया था आपने उनका? नहीं सर, आधार नंबर तो नहीं है सर, हाँ, ईमेल आईडी है उनकी? ईमेल आईडी है सर। अच्छा, ईमेल आईडी पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा? नहीं सर, रिस्पांस नहीं है, और चिट्ठी भी सर क्या है अनडिलीवर्ड हो गई है। किसी किसी का रिटर्न हो गया है, किसी किसी को गई है, डिलीवर्ड हो गया है, स्पीड पोस्ट हाँ से भेजा है तो स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग में दिखा रहा है कि डिलीवर्ड हो गया है, लेकिन हाँ फिर ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है तो अभी भी उनका भी कोई रिस्पॉन्स है नहीं। तो उनका सर देखो, जहां पे डिलीवरी हो गई है ना, वहां तो आप एमएसएमई का रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, ठीक है बट सर, जहां पे चिट्ठी डिलीवर नहीं हो रही है तो वो थोड़ा सा एक आपको प्रॉब्लम सिचुएशन रहेगी। या तो आप कंफर्म कर लीजिए वो वहां पे है या नहीं, क्योंकि एमएसएमई जो है वो ईमेल भी भेजता है और चिट्ठी भी भेजता है। अब ईमेल से ये कंफर्म नहीं होता कि उन्होंने ईमेल चेक करी या नहीं करी। अब हालांकि उसमें आप मेल चिप ऐड कर सकते हैं कि जब आप जी ईमेल भेजे तो मेल चिप, वो मेल चिप नहीं, वो क्या होता है, मेल ट्रैक आप उसमें एम्बेड कर सकते हैं, तो पता चल जाता सामने वाले ने देखा या नहीं देखा। जी तो एक ये तरीका है सर, देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन में, कि आप मेल ट्रैक लगा के उसको ईमेल भेजें ताकि पता चले कि मेल डिलीवर हो रहा है कि नहीं। लेकिन इवेंचुअली देखो, आपको सर वो दिखाना तो पड़ेगा कि उसका एड्रेस कहाँ पे है, वो लोकेटेड कहाँ पे है। ओके हाँ, तो इसीलिए मैं आपको बताया था कि जब भी आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो उसका आधार कार्ड जरूर एक बार ले लें, और ये भी पता करें कि बिजनेस का एक्चुअल ओनर कौन है और जो आपको ऑर्डर दे रहा है वो कौन है। ओके सर, जी, ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके सर। सर ये नेक्स्ट हैं विवेकानंद, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ, सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, आपका अनम्यूट है, यहाँ से म्यूट दिख रहा है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सर नेक्स्ट हैं ये विनीत सर, आपसे बात करेंगे, विनीत अग्रवाल। हेलो, मैं ऑडिबल? यस, योर ऑडिबल सर, सर प्लीज। मेरा गारमेंट का होलसेल का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का। हमने कस्टमर को सूरत गुजरात में माल बेचा था 1 साल पहले, उनके ओनर ही जी आए थे परचेज में, और उन्होंने करीब 10 लाख का माल लिया और ऑन अकाउंट उन्होंने 5 लाख रुपये पेमेंट कर दिया। और अब वो 1 साल से हम लोग उसको रेगुलर चेकअप कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, और फोन कॉल तो वो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, खाली टाइम ठीक पे करते जा रहे, कभी कभार जवाब दे रहे थे कि यार 30 डेट या रिंगिंग कर। अब इसमें इस वो क्या होता है, हमारी लाइन में तो परचेज ऑर्डर और या कुछ ऐसा सिस्टम होता नहीं है, एजेंट के थ्रू कस्टमर्स आते हैं और माल खा लेते हैं, फ्लैक्स कर लेते हैं और माल बिल बिल के चला जाते हैं। अब मेरे लिए क्या रिपोर्ट है या क्या कर सकता हूँ मैं इस सबसे, आपका आपके क्या गुड्स गाइडेंस? टैक्सेबल थे? आपने जी सर, क्या बोला, सॉरी। जो गुड्स उनको दिए थे वो टैक्सेबल गुड्स थे ना? जी हाँ, टैक्सेबल है, जीएसटी में भी माल गया है। हाँ, तो फिर आप सर देखो, रेफरेंस जब आप फाइल करोगे ना एमएसएमई में, जी सर, तो आपको ना एक एफिडेविट देना पड़ेगा। आपने यही बताया ना मेरे को कि आपके पास कोई रिसीविंग नहीं है और परचेज ऑर्डर वगैरह नहीं है, जी, तो माल तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट से गया सर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, माल ट्रांसपोर्ट से गया है, तो अगर मैं हाँ चाहूंगा तो ट्रांसपोर्ट से रिसीट मिल जाएगी बिल्कुल। कोई बात नहीं ना सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसी का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, अपने इनवॉइस के साथ ना आप एक एफिडेविट लगाएंगे उसमें कि जो परचेज ऑर्डर था वो वर्बल परचेज ऑर्डर था, और इन जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया था उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर आप उस एफिडेविट में लिखना है कि ही गेव मी द ऑर्डर ऑफ दिस इनवॉइस एंड अगेंस्ट द वर्बल ऑर्डर आई सप्लाई द गुड्स थ्रू इनवॉइस नंबर सो एंड सो अमाउंटिंग गुड्स सो एंड सो विच वर
सक्सेसफुली डिलीवर टू दी परचेजर ऑन डेटेड सो एंड सो, ऐसा करके आप देंगे तो फिर आपका जो क्लेम है वो एमएसएमई सुनेगा। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ? हाँ। जैसे मैंने एक बार साइट खोल के देखी थी कंप्लेंट की, तो उसमें ना ये वर्क्स वाला कॉलम में एक्सप्लिसिट दिया हुआ कि कंपलसरी फील्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या है या परचेज ऑर्डर नंबर क्या है, तो मैं फिर वो देख के निकल गया। फिर इसमें आपका लिंक मुझे मिला कि आप गाइड करते हैं, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए अगर ऑनलाइन फाइल करूँ तो वर्क परचेज ऑर्डर? हाँ मैं आपको बिनी सर बता रहा हूँ, जो वो परचेज ऑर्डर है ना वहां पे आपको ये एफिडेविट अपलोड करना है। ओके जो मैंने आपको बताया ये एफिडेविट आप बनाइए, बना के इसका पीडीएफ उस परचेज ऑर्डर के कॉलम में जाके अपलोड कर दीजिए, हो गया सॉल्यूशन। ओके थैंक यू सो मच। आपका सर नेक्स्ट है मिश्रा जी, बात करेंगे। जी चंद्रकांत जी। रवि सर नमस्कार। नमस्कार सर। रवि सर हम लोग बेसिकली स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। अच्छा। गुजरात बेस्ड रजिस्टर्ड हैं। हमने पर्टिकुलरली ये कंपनी स्टरलाइट लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो कि ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में काम करते हैं, तो महाराष्ट्र में एक हमें परचेज ऑर्डर उन्होंने दिया था, हमने सर्विस एग्जीक्यूट की, उनको सर्विस एग्जीक्यूट कर दी, सर्विस एक्सेप्टेड हो गई। अब हमारा 10% अमाउंट उनके पास में रिटेंशन है जो आफ्टर 1 ईयर रिलीज होना था, ये कंडीशन एक है। अब उन्होंने मुझे परचेज ऑर्डर एक दूसरी स्टेट का दिया, तेलंगाना का। वहां जब हम सर्विस एग्जीक्यूट कर रहे थे तो कुछ डिस्प्यूट्स आ गए हमारे बीच में सर्विसेज को लेके, टेक्निकल टर्म्स कॉमर्शियल टर्म्स को लेके। अभी वो क्या कर रहे हैं कि हमारा जो महाराष्ट्र का पेमेंट है होल्ड कर रखा है करीब ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज, वो बोलते नहीं जब तक आप ये हमारा तेलंगाना का रिसॉल्व नहीं करोगे ये पेमेंट हम रिलीज नहीं करेंगे। दे आर टॉकिंग वर्बली बट नॉट इन कम्युनिकेटिंग, नॉट इन राइटिंग। जी इलीगल है सर वो? सर इलीगल है सर वो? इलीगल है ना सर? हाँ, दे कैन नॉट होल्ड और रिटेन योर अमाउंट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन मैच्योर्ड बाय वे ऑफ सम एग्रीमेंट। वो जो 10% था वो परफॉर्मेंस अमाउंट होता है। करेक्ट सर। एक साल के लिए वो होल्ड करते हैं कंपनीज उसको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मिटी ऑफ दिस सर्विसेज। राइट सर। तो वो सक्सेसफुली आपने क्वालिफाई कर दिया होगा, एक साल बीत चुका होगा। हाँ जी सर। तो अगर वो एक साल बीत चुका है तो नाउ यू आर लायबल टू टेक द पेमेंट फ्रॉम द पर्सन टू हूम यू हैव सक्सेसफुली रेंडर्ड योर सर्विसेज, तो आप उसे ले सकते हो। ठीक है, तो आई कैन रेज पर्टिकुलरली, उनको हमने नोटिस दे दिए, लेटर्स दे दिए, सारा कुछ कर दिया हमने, तो अभी हम उनको नोटिस सर्व करके एमएसएमई में क्लेम रेज कर देते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, आप एमएसएमई में क्लेम रेज कर दीजिए। और वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या क्या है? They are limited companies, sir. Starlight Technologies. They have Starlight. 100% payment recovery. आपकी payment 100% recover होगी. Actually में आपका amount थोड़ा बड़ा है, इसीलिए वो क्या करते हैं amount को जल्दी disburse नहीं करते, ताकि उनको जो interest की liabilities हैं उनसे बच जाएं। अच्छा। हाँ, क्योंकि 25 लाख रुपए वो कहीं और utilize करेंगे ना सर। अच्छा। दूसरा मेरा एक पर्सनल लेवल पे था, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट हूंगा कि जो मेरा डिस्प्यूट चल रहा है पर्टिकुलरली तेलंगाना में, हमने सर्विस एग्जीक्यूट कर दी, सारा कुछ कर दिया, बट वो लेकिन वो पेमेंट हमें टाइम से रिलीज नहीं कर रहा है, जिससे हमारी कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गई और हम वो फर्दर उसको उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए सर्विसेज को ट्रांसफर। तो उसमें मुझे एक गाइडेंस और एक कंसल्टेंसी सर्विसेज भी चाहिए। ठीक है सर, आप मेरे को टेंडर डॉक्यूमेंट एक बार दे दीजिएगा या जो भी एक ऑफर होगा उनका, वो आप एक बार जरूर भेज दीजिएगा, उसको पढ़ने के बाद फिर आप कनेक्ट हो जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा सर। तो सर आप जो मेरे को फोन नंबर और मेल आईडी शेयर की गए उससे कनेक्ट हो सकता हूँ मैं आपके साथ? हाँ, आप अभी शशांक निगम होंगे और मेघा शर्मा है आई थिंक, तो आप इनसे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ले लें, ईमेल आईडी, और मेरे से कनेक्ट हो जाएगी सर आप प्लीज। थैंक यू रवि सर, अप्रिशिएट योर सपोर्ट। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट है, इनसे बात करिए सर। हाँ, नाम देख पा रही हूँ सर, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। आई गेस सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सर आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर
सर ये मेहता सर हैं, कोई मेहता सर को कनेक्ट किया है? नहीं 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 मेहता सर नहीं, मेहता मैम, रक्षिता मेहता ही है। जी रक्षिता जी, गुड इवनिंग। जी जी हाँ, गुड इवनिंग सर, व्हाट एन इनफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thank you for your appreciation, ma'am. Thank you, sir. So we have, I have two queries. One is that we have this windmill in Sinnar in Maharashtra, and we are supplying through the PPA agreement to MSEDCL, Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited. So they have defaulted on the payment regularly, and it was a clear term and condition in the clause that they will be giving us payment interest on delay beyond 2 months, which they have not served till now. So as of now, the due amount against the interest is more than 3 crores. Okay. And the initial amount that they have started paying now in bits and pieces, and like every quarter they release some amount of the principal amount, but the interest they have not released. We have written more than 100 emails to them, and we have prints of all that. What is the way out? So, and my concern is that when we entered the PPA with them, we were not MSME then. After the pandemic, when the MSME definition got revised, we entered into MSME stature. So can we go take the MSME route to file thing against them now? Since when we had that agreement with them, that time we were not MSME. No, actually, Rakshita ma'am, what is the basic requirement that at the time entering the agreement, the PPA agreement, which you have told me, at that time, what was the situation of your company, whether you were enrolled as an MSME or not? No, that time we were not qualified to be, we were above that. But after pandemic, jab unhone change kar diye na conditions, lower condition kar diye na, then we fell into MSME. Prior to 2020. Haan ji, haan ji. To ye hamara 2013 ka hamara unse connection hai. I understand. PPA hai. So now ji, haan ji. Yes, Rakshita ji, you are not qualified to sue them. We cannot. Yes. You please, actually, you must have the commercial courts for this purpose. As we have already discussed at length, that there are many platforms to recover the stuck payment. That MSME, that is a commercial court. So you must consult your counsel to file the appropriate case in the commercial courts, because in the commercial courts, the judges are so smart nowadays that they can understand your case on the minute basis even. Okay. Not. So do we have to pay some court fee in that case, according to the amount to be recovered? Yes, Rakshita. Initially, and you have to pay the fees, and after the, when you got the, when you won the case, that is in your favor, then there must be a decree sheet mentioning how much cost you will be recovered. Okay. You know, but when you're filing this, when you're filing the suit, that time do we have to pay any court fee? I'm not very clear on that, sir. Yes, ma'am. Whenever you approach the civil court, initially you have to make payment around 1% of the total claim. Okay. You have to submit, if the pendency is, hypothetically, I'm taking the amount to 1 crore rupees. If the cause of action is 1 crore rupees, then you have to pay approximately 1 lakh rupees. I'm talking about Delhi jurisdiction only. All right. Okay. In case the overall recovery exceeds 2 crore rupees, then you have to approach High Court of Delhi, the commercial division. Okay, fine. But this is very effective way to recover your dues. Okay. In very less period of time, I must say. Yes. Okay. You please approach the commercial court, and you please avail the benefits of Commercial Court Act. You will be given very handsome interest upon the pending payments also. Okay, fine. Thank you so very much, sir, for guiding that. My second case is against Ratan Power, if you know Ratan Power Limited, which was erstwhile India Bulls Power. Yes, I know. Yeah, so they have been holding on to a payment for last 9 years,
And as you had pointed out during your course, that they will jo extra shrewd log honge, they will create a dispute, and that's what they did with us. They wrote an email to us and they said, "What is your due amount?" We said, "Oh, this is a due amount." Mm. And then they wrote to us, "No, on the contrary, you have to pay us back." They imposed absolutely groundless penalty on us, and they have not paid us since then. Now, since the dispute has been created, we cannot even move to NCLT. How much time is passed now? It's been 2.5 years. Of course, and I think we are getting a leeway because of COVID in the middle. No, Rakshita ji. Nothing. Actually, the order passed by the Honorable Supreme Court was that you will be given an extended time of 3 months beyond March 2022, which has already been elapsed. So now please become conscious about the limitations and please file the claim as soon as possible. Okay. So NCLT to nahi ja sakte since inhone limitation since they have disputed the amount, you cannot go to NCLT. Main dobara aapko bata raha hu, aap ja sakte hain. Definitely. ओके सर, थैंक यू सो मच. हमारा एक आर्बिट्रेशन का केस 99 से सर आर्बिट्रेशन हमारे फेवर में गया, वो कोर्ट में ही लटक रहा है. सेक्शन 34 में चैलेंज कर दिया उन्होंने, वो एक कोर्ट से सेकंड कोर्ट, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. द टिपिकल तारीख पे तारीख थिंग्स आर हैपनिंग सर. सो दैट्स व्हाई आई नो गोइंग टू कोर्ट इज एक्चुअली गिव्स यू शिवर्स. इसके लिए आपसे पूछ रहे थे सर. यस, no issues, Rakshita ji. Thank you very much. Sir. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, dear. सर आई नो आपका बहुत टाइम हमने ले लिया, एंड आई होप सबको जितनी भी इंफॉर्मेशन सर ने दी है और जो लोग रह गए हैं, वी विल मेक श्योर कि हम आपको जरूर कनेक्ट करेंगे सर से. सर आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड पेशेंस. थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम. या थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Welcome, ma'am. May I leave now? Yeah, sure, sir. वैसे भी हमने आपका काफी टाइम आज ले लिया है. Thank you. Very informative knowledge. Thank you, sir. Okay. Thank you. Goodbye to all. Thank you. Thank you so much, everyone, for attending this webinar. मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, आप प्लीज उद्यमिता हेल्पलाइन से जितने भी क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज रह गई हैं, आप पूछ सकते हैं. आप हम लोगों से जुड़िए, कुछ भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज पूछिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन. आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस. थैंक यू सो मच.